हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो क्लास इलेवेंथ जो हम पढ़ रहे हैं कंस्टेंट मोशन, जिसके अंदर आपको फ्री बॉडी डायग्राम की नीड होती है, कैसे बनाते हैं ये कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट स्यूडो फोर्स क्या होता है, किसको बोलते हैं सर स्यूडो फोर्स, कब अराइज होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट लेमीज थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बिहाफ पे जो जेई 2020 उसके अंदर भी एक दो क्वेश्चन इससे आया हुआ है, उसके न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, सभी कॉन्सेप्ट बेस हैं। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो दोनों यहाँ इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर। अब ये मत कहना कि सर बहुत आसान क्वेश्चन है, ईजिली कर देंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर तो इनको बहुत ज़्यादा ईजी आप इसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपने अब तक की वीडियो जो है उनको अच्छे प्रकार से देखा है किस टाइप से होंगे, तो देखिए सर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फाइंड एक्सटेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, ठीक है। सभी केसेस में जो जी है उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो देखिए सर फाइंड एक्सटेंशन इन बोथ स्प्रिंग जो है, एक्सटेंशन क्या होगी तो वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो टेंशन सिंपल सा फोर्स, अगर मैं यहाँ बात करूँ बेटा जो हमने अब तक किया है, अगर मैं इसको यहाँ स्प्रिंग है, ये कोई मास है एम से अटैच, तो ये यहाँ एम जी लगेगा, टेंशन एम जी के इक्वल होगी, वो टेंशन जो है एम जी दैट इज इक्वल टू के इन टू एक्स, उसके इक्वल होती है। ठीक है, तो टेंशन जो यहाँ है वो एम जी के इक्वल है इस केस में। अब हमें केस ये नहीं करना, हमें तो जो क्वेश्चन क्यों है वो केस करना है। तो इसके अंदर कैसे होगा सर, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए अगर टी टू क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं टी टू की वैल्यू क्या होगी, टू इन टू जी मीन्स 20, टी टू की वैल्यू हो गई सर 20 न्यूटन। क्लियर, ये T2 किसके इक्वल होगा, इस के इंटू एक्स के। ठीक है, तो एक्सटेंशन इसके अंदर हम बात कर रहा हूँ जो नीचे जो देख रहा है आपको, इसको आप X1 का नाम दे सकते हो, इसको आप X2 का नाम दे सकते हो, तो मैं नीचे जो है X2 इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ जो टेंशन T2 है वो किसके इक्वल होगी, के इंटू एक्स टू। ओके, तो X2 की वैल्यू यहाँ क्या होगी, T2, T2 कितना 20 न्यूटन डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आया 0.2 मीटर। तो ये इसके अंदर आंसर आया, एक्सटेंशन इस जो स्प्रिंग है इसके अंदर एक्सटेंशन कितनी है 0.2 मीटर। ओके, इसके अंदर कितनी आएगी सर, कोई आपको इतनी ज्यादा कंसेप्ट करने की जरूरत नहीं। टी वन क्या होगा, नीचे कितने ब्लॉक है 1 kg 2 kg, टी वन की वैल्यू कितनी 1 + 2 मीन्स 3 इंटू जी मीन्स 30 न्यूटन। 30 को इसके इक्वेट कर दो बेटा, 30 न्यूटन इज इक्वल टू के इंटू एक्स वन। ओके, एक्स वन की वैल्यू 30 डिवाइड बाई के, के कितना 100, तो कितना है 0.3 मीटर। तो आपने इस x1 की वैल्यू भी निकाल दी, x2 की वैल्यू भी निकाल दी, बताओ कितना आसान था। आपको इतने कुछ फ्री बॉडी डायग्राम इसके अंदर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, बिल्कुल इजीली आपने इसको कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, सेवस कैसे होगा, क्या बता सकते हैं एक्सेलरेशन क्या होगी, टेंशन क्या होगी, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इफ के इज इक्वल टू दिस। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ऐसे कभी ब्लॉक का केस आता है तब, पता है, बताया था, याद कुछ आ रहा है यहाँ से, देखिए यहां से अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो बताएं सर। बस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम टू एम वन, क्या था एम टू जी डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, अरे यही तो था टेंशन, क्या थी एम वन एम टू जी डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू। पहले की वीडियो जरूर चेक कर लेना अगर आपको इनके बारे में नहीं पता, तब अगर पता है तो कंटिन्यू करो। देखिए सर बस इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगी, कितना मास है 2 + 3 = 5, ठीक है, साथ में जी 10 डिवाइड बाय में सब का मास 1 + 2 = 3 + 3 = 6, तो इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर आया बेटा 50/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये थी एक्सेलरेशन, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड पार्ट क्या, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये टी की वैल्यू निकालनी है। ओके, मुझे एक बात है, यहाँ कोई फोर्स है क्या, नहीं है, ठीक है, टी है एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या 1 kg इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंशन, टी की वैल्यू आ गई, टी कितना है जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितनी है 50/6, लेकिन इस बार क्या हो गया वो न्यूटन, 50/6 न्यूटन। टेंशन भी आप लोगों ने यहाँ निकाल दी, फाइंड आउट कर ली, वेरी गुड। अब एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इफ के इज इक्वल टू दिस, इसके अंदर कितनी एक्सटेंशन होगी, एक्स क्या होगा अगर के की वैल्यू दे रखी तब, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेवस किस टाइप से आप इसको करोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए क्या क्या फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, मास है, ठीक है, 3 × g मीन्स 30, ठीक है, जी की वैल्यू 10 है 30 न्यूटन। यहाँ ये सिस्टम नीचे भी आ रहा है, ठीक है, 3 × एक्सेलरेशन, तो यहाँ कंसेप्ट लगा है इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम, देखिए
3 इंटू एक्सेलरेशन जो कंपोनेंट्स की डायरेक्शन में 30 न्यूटन, और जो ऊपर जा रहा है कौन, माइनस का k इंटू एक्स। ठीक है, वही तो टेंशन होगा, k इंटू एक्स के इक्वल ही तो टेंशन होगी यहाँ पर। तो ये देखिए सर, बस 3 इंटू ए, ए की वैल्यू पता है क्या हमें, ए कितना 50/6, ये के एक्स इस साइड आएगा 30 से माइनस होगा, 30 - this इज इक्वल टू के इंटू एक्स, तो ये कितना हुआ 30 - 2 = 25, तो ये हुआ कितना 5 = k * x, x की वैल्यू कितनी 5/k, k कितना है 50, तो ये वैल्यू कितनी आई, यहाँ से लेस करेंगे तो 1/10 मीन 0.1 meter। तो इस टाइप से आप इसके अंदर एक्सटेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए सेवा से हम बात करेंगे सूडो फोर्स की, फिर इसके रिगार्डिंग दो इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं बहुत बार पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर लैमीज थ्योरम और उसके न्यूमेरिकल। आइए सेवा से बात करते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है? सूडो फोर्स फिक्टिशियस फोर्स को सूडो फोर्स बोलते हैं, फिक्टिशियस फोर्स। और ये कहाँ वर्क करता है? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन। सपोज यहाँ पर देखिए सर, बस ये कोई ब्लॉक है, सपोज कोई ट्रॉली है, ठीक है, स्टार्टिंग में इसके एक्सेलरेशन जीरो थे, ये कोई बॉब है यहाँ बंधा हुआ है, ठीक है, कोई मोशन नहीं इसके अंदर, नो मोशन नो फोर्स, यहाँ कोई फोर्स हो तो यहाँ भी कोई फोर्स नहीं। अभी जो ट्रॉली है किसी ना किसी एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव किया, एंड एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, ये बॉब जो आगे जाएगा पीछे जाएगा कहाँ जाएगा अकॉर्डिंग टू यू, तो ये बॉब जो है इसकी पोजीशन कुछ इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है, पीछे गया, तो यहाँ कौन सा फोर्स एक लगा जिसकी वजह से पीछे की तरफ गया, ऐसा क्या था, कौन सा इनविजिबल फोर्स था जिसकी वजह से पीछे गया, तो यही जो फोर्स है इसी को स्यूडो फोर्स बोलते हैं, ध्यान रख लेना बेटा, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स बोलते हैं। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में बॉब अगर बोल दिया जाए, बॉब इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये बॉब है इज इन इक्विलिब्रियम, तो उस केस में अगर टेंशन पूछ ली जाए आपसे, अगर बॉब इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम आगे की तरफ मूव करा है, तो क्या होगा, तो देखिए सर बस ये वही सिस्टम है, ठीक है, पहले तो बॉब यहाँ था मास m, लेकिन जैसे ही वहाँ पर ये सिस्टम आगे की तरफ मूव किया विद एनी वेलोसिटी v सपोज, तो इसने क्या किया, पीछे की तरफ गया ड्यू टू स्यूडो फोर्स। ओके, और स्यूडो फोर्स जो होता है उसका रिजल्ट जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन तो होता है, लेकिन नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन इज यूज फॉर द डायरेक्शन। ओके, यहाँ देखिए थीटा आया तो टेंशन यहाँ लगेगी, कंपोनेंट ब्रेक कर दें इसके, ठीक है, ए कंपोनेंट यहाँ जो थीटा ये है, ये एंगल थीटा, ये क्या हुआ, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल का ध्यान रखना थोड़ा, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, यहाँ क्या होगा इस साइड में, मीन्स कोई एक्सेलरेशन है सपोज, या फिर एक्सेलरेशन कोई कॉन्स्टेंट अगर इक्विलिब्रियम में बोला गया है किसी एक्सेलरेशन ए से, तो यहाँ एक्सेलरेशन लगेगी अपोजिट सिस्टम के अंदर, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी साइन थीटा, और जो ये है m इंटू जी वेट की वजह से, दैट इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए सहबस, दोनों को अगर स्क्वेयर और ऐड किया जाए तो यहाँ से क्या बनेगा, ये जो है टी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा टी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से क्या बनेगा m a का स्क्वेयर प्लस m g जो है इसका स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू t का स्क्वेयर, तो यहाँ से t की वैल्यू आप निकाल सकते हैं अंडर द रूट m को बाहर लिखकर a स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, ठीक है, यहाँ से सेकंड जो टर्म है यहाँ से अगर आप टी साइन बाई कोस करेंगे तो यहाँ एंगल की वैल्यू निकलेगी और कुछ नहीं, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट थीटा आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आपके पास होगा ए बाई जी, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए बाई जी, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग जो कंसेप्ट है वो देखिए सर, बस ये कोई वेज प्रॉब्लम है एट एन एंगल, एनी एंगल थीटा, यहाँ पर कोई ब्लॉक है, दो केस आएंगे बेटा, ठीक है, क्या क्या केस आएंगे सुन लो, ये जो ब्लॉक है ये इसी पॉइंट पर रहे, आगे मूव ना करे, सेकंड क्या है ये फ्री फॉल का केस हो बेटा, ये आराम से किसी ना किसी एक्सेलरेशन से नीचे जाए, तो उन दो केसेस में किस टाइप से आप इसको बताएंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। आइए से बस हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट केस है बेटा जो वेज है उसके ऊपर ये जो ब्लॉक है ये इसी पॉइंट पर रहे, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है जिसका मास है स्मॉल m, ये वेज इसका मास है कैपिटल m, इसी पॉइंट पर रहे, रिमेन्स एट रेस्ट, अगर इसी पॉइंट पर रहे तो कितनी एक्सेलरेशन हमें देनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी,
सेकंड केस क्या है? सेकंड केस ऐसा, ये केस वन आप इसको लिखेंगे, केस वन, ये है केस टू, ये दो ही केस पूछे जाते हैं, कंफ्यूज मत होना। फिर आप इनके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। मास एम ब्लॉक का जिसके ऊपर है ये कैपिटल एम, जो वैसे ये एंगल थीटा है, गिवन होगी इसकी वैल्यू, ठीक है, थीटा की वैल्यू गिवन होगी। अब आपको एक्सेलरेशन निकालने की, जो ब्लॉक है फ्रीली फॉल करे, इन केस ऑफ फ्री फॉल, ठीक है, तो कितनी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोवाइड की जाए, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो देखिए चलो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर कुछ एक्सेलरेशन देंगे इस डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक जो पीछे जाएगा ड्यू टू स्यूडो फोर्स, ड्यू टू स्यूडो फोर्स। ये एक्सेलरेशन अगर आप इस साइड देंगे तो ये ब्लॉक नीचे ही आएगा। सर क्लियर नहीं हुआ कंसेप्ट, तो यहाँ देखिए, सपोज ये डस्टर है, काम चलाओ, ठीक। अगर ये जो है मेरे हाथ में, यहाँ एक कॉन्टैक्ट है इनके बिटवीन, अगर मैं इसको इस साइड लेकर आऊँगा तो चांसेस है इसके चिपका रहेगा, ये रिमेन्स एट रेस्ट। अगर मैं इसी को पीछे की तरफ लेकर जाऊँगा तो क्या ये साथ जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये जो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल दिस वेज, ये इसको इस साइड में एक्सेलरेशन हमने प्रोवाइड की, ताकि यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स लगा जो इसके कॉन्टैक्ट में है इस हैंड के, समझ पा रहे हैं? तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ अराइज करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन दी, यहाँ पर एक्सेलरेशन अराइज हुई किसकी वजह से? ड्यू टू स्यूडो फोर्स, ड्यू टू स्यूडो फोर्स, ठीक है। अब ये ब्लॉक इसी पॉइंट पर रहेगा, उसके कंपोनेंट देखिए, यहाँ होगा एम इंटू जी, अब ये ब्रेक करना आपको आना चाहिए, ठीक है, एम जी नॉर्मल एन, ओके, इज इट क्लियर? यहाँ एक एक्सेलरेशन है बेटा इस डायरेक्शन में, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये पता नहीं सर इतने कंपोनेंट, अभी तो और कंपोनेंट बनेंगे। ये देखिए थीटा है, ये एम जी है, ये हुआ थीटा, ये इसका कंपोनेंट हुआ एम जी कोस थीटा, और ये हुआ एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन एक कंपोनेंट भी ब्रेक करते हैं, ये दो हो गए। अब ये एंगल थीटा है, फिर ये एंगल थीटा है, क्या ये थीटा बनेगा? नहीं है, तो 90 माइनस थीटा हुआ सर, ये फिर से थीटा हो गया, ठीक है। क्लियर हुई क्या बात? ये कुछ एंगल की, ये थीटा है, टोटल 90 है, तो ये हुआ 90 माइनस थीटा, ओके, ये थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे? एम ए कोस थीटा, इसको क्या लिखेंगे? एम ए साइन थीटा, ठीक है। और ये इसी पॉइंट पर रहे, ये जो ब्लॉक है रिमेन्स एट रेस्ट, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, इसके लिए क्या कंडीशन होगी? जो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों ये क्या होने चाहिए? इक्वल, तभी तो ये इसी पॉइंट पर रहेगा। अगर ये फोर्स ज़्यादा हो गया तो नीचे आएगा। तो देखिए शहबाज, एम ए कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ठीक है। एम से एम कैंसल, ए इज इक्वल टू क्या हुआ? जी साइन बाई कोस, साइन बाई कोस क्या होता है? टेंजेंट, तो ये हुआ जी टेंजेंट थीटा। बताओ समझ आया नहीं यार? ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अब कन्फ्यूजन ये हो गया, ऑप्शन में जो होगा ए जी टेंजेंट थीटा भी होगा, ए इज इक्वल टू जी बाई टेंजेंट थीटा भी होगा, लेकिन आपको रट्टा नहीं लगाना। तो यहाँ जब एट रेस्ट इक्विलिब्रियम का केस आए तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। जब फ्री फॉल का केस हो, फ्री फॉल, तब क्या आएगा? फ्री फॉल मतलब नीचे गिर गया, टेंजेंट थीटा नीचे गिर गया, ये रिजल्ट आएगा, याद रह जाएगा। फ्री फॉल, फॉल मतलब गिर गया, टेंजेंट थीटा नीचे, दो इक्वेशन है, याद तो रख सकते हो इजीली। क्या बात हो गई? टेंजेंट नीचे गिर गया, जी क्यों नहीं गिरा सर? अरे अगर जी नीचे गिर जाता तो क्या इक्वेट होता? इक्वेशन ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी एक बहुत अच्छा रूल है फिजिक्स के अंदर, कि इक्वेशन जो होगी ना लेफ्ट साइड और राइट साइड, वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेवस केस नंबर, अब इस केस में एक्सेलरेशन हमें यहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इस साइड में फ्री फॉल का केस है, तो यहाँ एक एक्सेलरेशन लगेगी ए, कंपोनेंट वही ब्रेक करें, शाबाश, इजीली ब्रेक कर सकते हो आप। तो एम जी, एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा, नॉर्मल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये अगेन थीटा, तो ये कंपोनेंट किसका हुआ? एम ए कोस थीटा, ये कंपोनेंट हुआ एम ए साइन थीटा। लिख लेना सहबाज, इन केस ऑफ फ्री फॉल, इन केस ऑफ फ्री फॉल, नॉर्मल बिकम जीरो, नॉर्मल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। नॉर्मल जीरो तो क्या होगा बताओ सहबाज? एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू एम ए साइन थीटा। अब यहाँ से कैंसिल करें, एम से एम कैंसिल, ए इज इक्वल टू जी कोस थीटा बाई साइन थीटा। कोस बाई साइन क्या होता है? कोट थीटा, और कोट में और टेंजेंट में क्या रिलेशन होती है?
जी बाई टेन सेंट थीटा। तो ये दोनों रिजल्ट हमने यहाँ कर लिए, ठीक है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th कोर्स जेई नीट कंस्टेंट मोशन के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए शहबाज, यहाँ आज के जो टॉपिक रहेंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे वो है लेमीज थ्योरम, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले मैंने आपको बताया था, और फिर उसके बिहाफ पर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले हम कुछ केस कर चुके हैं, आपको याद होगा ये वेज प्रॉब्लम हमने कुछ की थी। अगर इस ब्लॉक इसी पॉइंट पर रखना है तो सर ए जी बडू जी टेंजेंट थीटा आया था, अगर इसको फ्री फॉल का केस था तो उस केस में ए जी बडू जी बाई टेंजेंट थीटा आया था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको रिजल्ट याद होगा। ओके, आगे चलिए नेक्स्ट मूव करें। तो देखिए सर, बस लेमीज थ्योरम क्या कहते हैं, लेमीज थ्योरम, इसके बिहाफ पर ये न्यूमेरिकल जो है ये करें। ओके, लेमीज थ्योरम है जहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो जीरो हो जाए, मींस नेट जो फोर्स लग रहा है वो जीरो हो जाए। सपोज यहाँ पर देखिए सर, बस ये कोई फोर्स है, ठीक है, एफ वन एफ टू एफ थ्री, ठीक है, तीनों का ऑर्डर देखें तो सेम है, तो इनको हम ऐसा लिख सकते हैं एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, जीरो, यहाँ जीरो रिजल्टेंट फोर्स इस केस में है। अगर इसी को हम लिखें, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखना ये फोर्स इस टाइप से होगा, एक फोर्स जो देख रहे हो आप इस टाइप से होगा, एक फोर्स इस टाइप से होगा, एफ वन एंड टू एंड मिला दिया इनको और कुछ नहीं किया, एफ थ्री एफ, ठीक है। सपोज यहाँ एंगल है अल्फा, एंगल बीटा, एंगल गामा, कोई भी एंगल हो सकता है, बेटा एंगल अल्फा बीटा गामा। तो लेमीज थ्योरम क्या कहती है कि जो फोर्स होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। जो फोर्स हम निकाल रहे हैं सपोज कोई भी एफ वन एफ टू एफ थ्री, दैट इज दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल, ठीक है। सपोज यहाँ एफ वन निकालना है तो एफ वन यहाँ पर कौन सा एंगल आएगा, एफ वन के एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस कौन से हैं, एफ टू एफ थ्री, तो साइन अल्फा। एफ टू की अगर बात करें तो क्या आएगा, साइन बीटा। एफ थ्री की अगर बात करें तो क्या आएगा, साइन गामा, ठीक है। सभी कांस्टेंट की वैल्यू है तो के 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 यहाँ के आएगा, ठीक है, अगर हम इसको हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट के तो के की वैल्यू निकाल कर इन सबको इकट्ठा लिखा जाए तो ऐसे लिखना और कुछ आपको, ठीक है, साइन बीटा एफ थ्री बाई साइन का। तो ये लेमीज थ्योरम का जो ये रिजल्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसी के बिहाफ पर हम सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो आइए से अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू जो आपको यहाँ बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए से बस आप इसको इजी कर भी देंगे जो यहाँ देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं भी हो रही कोई बात नहीं, आप सीख लोगे तो नेक्स्ट टाइम हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो देखिए से बस सबसे पहले तो मुझे बताएं, यहाँ देखो ड्राने के लिए आपको बेटा 30-60 बना के कोई एक लिख लिया, 30 लिख लिया, 60, नो प्रॉब्लम। ओके, तो देखिए शहबाज, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इसको एक्स एक्सिस मानो इसको, ठीक है, यहाँ पर ये सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, ऐसा क्यों नहीं, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ वन एंड एफ टू। ओके, सॉल्यूशन, फर्स्ट एफ एक्स जीरो, ऐसे लिख लेना, अलोंग एक्स एक्सिस जो फोर्स है जीरो, एक्स एक्सिस कितने फोर्स हैं दिख रहा है, 8 न्यूटन आपको, ठीक है, एक्स एक्सिस है, नोट कहीं से क्रॉस ना हो जाए, तो एक्स एक्सिस 8 न्यूटन है, हो गया। 4 न्यूटन का कौन सा कंपोनेंट, साइन 30, 4 का कौन सा कंपोनेंट, 4 साइन 30 लिख दो, नो प्रॉब्लम, 4 कोस 30, 4 साइन 30 इसी की डायरेक्शन में ऐड करो, प्लस 4 साइन 30, हो गया, ठीक है। ओके, एफ वन का कोई कंपोनेंट यहाँ नहीं, एफ टू के कंपोनेंट, एफ टू का कंपोनेंट कौन सा, एफ टू कोस 30 और यहाँ एफ टू साइन 30 अपोजिट है ना, तो माइनस लिखो यहाँ,
एफ टू कोस 30 इज इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन कंप्लीट। ओके सेकंड एफ वाई भी क्या होगा जीरो, y में कौन कौन से f1 है सबसे पहले तो लिख दिया, प्लस 4 का कंपोनेंट है सर 4 cos 30 ठीक है, ये कंपोनेंट नीचे है तो इसको लिखा f2 sin 30 is equal to 0 ठीक है। तो फर्स्ट से पहले सॉल्व करो, फर्स्ट को 8 sin 30 की वैल्यू 1/2, f2 को साइड भेज दो, f2 cos 30 कितना होता है रूट 3/2, 2 कितना हुआ 10, 10 टू जा 20 वाई रूट 3 न्यूटन, ये आई एफ टू की वैल्यू। ओके सिंपल मैथमेटिक्स है, इजीली आप इसको कर सकते हो। इक्वेशन टू को देखिए सबा सब एफ वन निकालना है, एफ वन 4 कोस 30 की वैल्यू रूट 3/2 कोस 30 की वही वैल्यू जो साइन 60 की है, माइनस एफ टू, एफ टू कितना निकाला अभी 20/√3 इंटू साइन 30, साइन 30 कितना 1/2 दैट इज इक्वल टू जीरो, ये कितना हुआ 10 ठीक है, एफ वन प्लस यहाँ से इसको लिख सकते हो 2√3 माइनस, अब तो ये तो प्रॉब्लम होगी सर, ये हो गया 10/√3 नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट साइड ले जाओ इसको, एफ वन की वैल्यू क्या होगी 10/√3 माइनस 2/√3 एलसीएम ले लो कितना रूट थ्री, 10 माइनस 2√3 कितना 6 हो गया ना 4/√3 न्यूटन ठीक है। क्या आपने एफ वन एफ टू की वैल्यू निकाल ली क्या, ठीक है एफ वन तो मुझे दिखाई दे रहा है एफ टू ये ठीक है, तो एफ वन एफ टू की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल था बहुत आसान था सर, आराम से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए शाबाश, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2/3 जो है ये इस कंसेप्ट पे नहीं, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है तो उसकी बात हम थोड़ी सी देर में करेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या पूछा गया T1, T2, T3 ठीक है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके तो यहाँ T1, T2, T3 कोई डायरेक्शन नहीं है, चलो मैं बना देता हूँ डायरेक्शन ठीक है। ओके तो करें सो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए सेवा क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो आप इसका डायग्राम बना लें, कंपोनेंट रिजोल्व कर लें, बस इतना सा काम था, हो गया क्वेश्चन, हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व 60, दिस इज 30, यहाँ वेट है कितना है 5 kg मास है, ये टेंशन है T3, ये टेंशन है T2, ये टेंशन है T1 ओके इतना ही है ठीक है। तो अब देखिए इसे कंपोनेंट रिजोल्व करें, से बस कैसे कंपोनेंट सोल्व करें सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ देखो ये 60 क्या ये 60 होगा, नहीं ये 60 होगा ओके यही होगा, इसको बढ़ा लो 90 30 60, समझ गए क्या 90 30 60 60, अरे ऐसे भी अल्टरनेट एंगल हो गए 60, T2 cos 60, T2 sin 60 ठीक है, टी वन ये कंपोनेंट रिजोल्व, ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री। अगर इतना भी याद ना रहे ना आपको, एक और बताता हूँ आपको, इसमें देखो यहाँ एक टाइप से बेस मान सकते हो, बेस के साथ एंगल बनाए तो बेस के साथ इसी के साथ एंगल बनाएगा ठीक है, उसी लाइन के साथ सेम। ओके इसको छोड़े आप 30 डिग्री, ये बताएं सहबासी कितना हुआ T1 cos 30 डिग्री, ये हुआ T1 दोनों ऊपर की तरफ है ना अपर डायरेक्शन, T1 sin 30 डिग्री T3 की वैल्यू तो आसान है, वेट हो गया 50 न्यूटन, T3 तो आ गया 50 न्यूटन, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर T3 कितना आ गया 50 न्यूटन। ओके अब मुझे ये बताएं, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लेमीज थ्योरम क्या कहती थी, ये कहती थी सर F1 / sin α, F2 / sin β और F3 / sin γ, बिल्कुल यही कहती थी, नो प्रॉब्लम, बस आपको यूज करना है, करें हम T1 / में साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू कौन T2 T3 60 ये है 90 ये कितना हो गया, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ 90 + 60 इज इक्वल टू T2 / 90 + 30 sin 90 + 30, T3 / में साइन कितना, हाँ कितना बताओ इसे बस
इन दोनों के इनबिटवीन एंगल, दोनों के इनबिटवीन एंगल तो नहीं पता। अरे ये एंगल 180 डिग्री है, ये 60 प्लस 30 90, तो ये कितना बच गया, 90 बच गया। साइन 90 कितना होता है, 1। और टी थ्री की वैल्यू भी क्या है, 50 न्यूटन। कंपेयर करें इसको और इसको, टी वन निकालें यहाँ से, टी वन डिवाइड बाई में साइन 90 प्लस समथिंग, टी रेशो चेंज साइन किस में चेंज, कोस में, कोस 60 कितना, फास्ट हो गया क्या थोड़ा, साइन 90 में टी रेशो चेंज हो गया 90 या 270 के ऊपर, तो साइन 90 प्लस कोस में चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव, कोस 60 कितना होता है, वही होता जो साइन 30 होता, 1 बाई 2, 50 डिवाइड साइन 90, 1। टी वन की वैल्यू कितनी आ गई, 100 सर, है ना, तुम्हारा मैथ मुझे पता है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करें, ठीक है, मतलब अच्छा है, मतलब कहने की बात ही है, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करें, टी टू डिवाइड बाई में साइन 90 प्लस समथिंग, टी रेशो चेंज सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव, और ये कितना हो गया, कोस 30, कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, नहीं पता, कोस 30 होगा रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू। टी टू की वैल्यू 50 इंटू रूट थ्री बाई टू मीन्स 25 रूट थ्री। तो ये दोनों रिजल्ट थे बेटा, टी वन भी आ गया, टी टू भी आ गया, टी थ्री पहले से ही आया हुआ था, तो हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। इसके रिगार्डिंग कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आप उसको बिल्कुल इजिली चुटके हम उसको सॉल्व कर देंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए शहबाज, ये देखिए शहबाज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, और इम्पोर्टेंट है भी, आपका कंसेप्ट यहाँ क्लियर होगा। देखिए फर्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या, फाइंड द टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, इस टाइप से वेट है 10√3 न्यूटन का, इसको स्ट्रिंग से इस प्रकार से इक्विलिब्रियम में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ टेंशन क्या होगी इन दोनों स्ट्रिंग में, ये निकालनी है। नंबर टू, इस स्ट्रिंग को जो ए पॉइंट पर बंधी हुई थी उसको उठा के थोड़ा ऊपर रख दिया गया किसी न किसी एंगल थीटा के साथ, ये थीटा क्या होगा सच दैट जो स्ट्रिंग है, जो ओ ए आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रिंग जो है इसके अंदर मिनिमम टेंशन डेवलप हो, मिनिमम टेंशन प्रोड्यूस। तो आई सेवा सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंथी तो है लेकिन धैर्य बनाए रखें, आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट तो ईजी है बेटा, यहाँ से टी टू मानो ए को आप टी वन मान लो, ठीक है। कंपोनेंट रिजोल्व करने आपको आते ही आते होंगे, देखिए शहबाज अभी बता दें, ये तो किसका, ये 60, ये हो गया टी टू को 60, ये हो गया टी टू साइन 60, ठीक है, ये वेट हो गया। तो यहाँ देखिए टी टू साइन 60 इज इक्वल टू 10√3, इतनी बात क्लियर हो गई नंबर वन। ये जो कंपोनेंट है टी टू को 60 किसके इक्वल है, बिल्कुल टी वन के इक्वल है, तो इक्वेशन, अब इक्वेशन जो वन दिख रही है यहाँ से टी टू की वैल्यू निकालो, साइन 60 पता है आपको क्या होता है, साइन 60 होता है रूट थ्री बाई टू, कितना होता है रूट थ्री बाई टू, दैट इज इक्वल टू 10√3, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, तो टी टू की वैल्यू यहाँ से क्या आई 20 न्यूटन, ठीक है। जो टी टू की वैल्यू आई इसमें पुट कर दो, 20 न्यूटन इंटू को 60 कितना, जो साइन 30, 1/2 इज इक्वल टू टी वन, कितना है टी वन 10 न्यूटन, कितना टी वन इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो टी वन टी टू की वैल्यू तो आपने निकाल ली इसमें, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ईजी था। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ जो टेंशन होगी वो कम से कम हो, मिनिमम हो, ये टेंशन वही टी टू ही है, ठीक है। अब ये केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई बात नहीं, इसके अंदर कंपोनेंट रिजोल्व करें आप सबसे पहले, तो ठीक है इसको आप अपने आप कर लेंगे। देखिए बस मैं करवा रहा, ये 60 डिग्री है, अगेन 60 डिग्री, कंपोनेंट टी टू को 60, और ये क्या हुआ टी टू साइन 60, फिर यहाँ कंपोनेंट रिजोल्व किए इसके साथ। अब देखिए बस, अब ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा बनेगा, ठीक है, और ये क्या हुआ टी वन साइन थीटा, और ये हुआ टी वन कोस थीटा, ठीक है। तो अब इसको दोबारा से लिखें शहबाज इसी फॉर्म में, तो देखिए शहबाज किस टाइप से आएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, ये हुआ टी वन साइन थीटा इज इक्वल टू टी टू कोस 60, इक्वेशन का एक इक्वेशन यहाँ देखें शहबाज, टी वन कोस थीटा प्लस टी टू साइन 60 दैट इज इक्वल टू 10√3। वैल्यू पुट कर दें एक बार, जो हमें पता है थीटा तो नहीं पता लेकिन और वैल्यू तो पता है, टी वन साइन थीटा इसको इसी साइड लें माइनस टी टू को 60 कितना 1/2, ठीक है इज इक्वल टू 0, को 60 1/2 होगा, टी वन कोस थीटा यहाँ प्लस टी टू साइन 60 कितना रूट थ्री बाई टू,
और इसको इस साइड ला सकते हैं, तो लिखोगे -10√3 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए सर, उसमें तो T1 से काम है, T1 की बात ही करनी है हमें, और तो क्या करना है। तो आप क्या करें, इस इक्वेशन को तो √3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि T2 को हटाना है यहाँ से। तो देखिए सर, बस ये क्या हुआ, √3 T1 sin theta - √3 T2 by 2 = 0। 1 से मल्टीप्लाई की T1 cos theta + T2 √3 by 2 - 10√3 = 0। दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। इनको कोई मैं इक्वेशन 3 और 4, 1, 2 इसको हमने माना था, 2, 3 एक ही क्वेश्चन है वैसे, 4, 5 हमने इसको मान लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको एडिंग इक्वेशन, कंफ्यूज मत होना, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 को आप ऐड करें से बस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है आपको। क्या बचेगा, √3 को रहने दो, T1 बाहर लो, √3 sin theta + cos theta, ठीक है, इज इक्वल टू, ऐड किया ये उस साइड जाएगा, पॉजिटिव होगा 10√3, तो T1 की वैल्यू यहाँ से क्या है, 10√3 / √3 sin theta + cos theta। अब T1 मिनिमम कब होगा, हमें तो ये चाहिए ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टेंशन मिनिमम हो, टी मिनिमम कब होगा, जब ये नीचे जो दे रखे मैक्सिमम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखना, A sin theta + B cos theta की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कुछ भी पूछ ले तो ये होती है बेटा, -√A² + B² 3 √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हुई 2, कितनी वैल्यू आई यहाँ से, रूट से हटा के 2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम इसकी, ठीक है। और 2 किस एंगल पर इसकी वैल्यू हो सकती है, आप पुट करके देखें, 0 पुट करेंगे तो नहीं होगी, 30 पुट करो 30 में हो रही है, 60 पुट करो तो आप यहाँ वैल्यू पुट करें, ऑप्शन में भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ 30, 60 पुट करके देखें, ठीक है। मुझे यहाँ से डायरेक्ट 60 पुट करेंगे तो ये कितना होता है, √3/2, ठीक है, प्लस cos 60 कितना होता है, 1/2, 3/2 + 1/2 कितना हुआ, 4/2 मीन्स 2, तो थीटा कितना आ गया यहाँ से, 60 डिग्री, ओके हो जाएगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप इजली इस टाइप से कर सकते हैं, A1, A2, A3 का हम बाद में डिस्कस करें।